तो कैसे हो आप सब। सुबह सुबह मैं आर्यन को ब्रेकफास्ट बना के फिर हम गए थे मैं चिकन एंड मोर में फिश लाने, और एक पैनकेक अभी रह गया है कि एक पैनकेक शायद मुझे ही खाना पड़ेगा। और आज हम लाए ढेर सारे छोटे छोटे फिश, सारे छोटे छोटे फिश वो लोग कट करके नहीं देते, तो इसलिए मिथुन का खाना नहीं होता। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज मैं इसे क्लीन व्लीन कर लूंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर सारे क्लीन कर लूंगी, और उसका रेसिपी भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है। पर मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कांच की कौन क्लीन करता है, वो तो इतने नहीं है, छोटे छोटे है, कुछ ऑयल में डाल दो, ऐसे डीप फ्राई आलू भजा जैसे होता है वैसे कर लो, कांच की वो बेस्ट है। मैं वैसे ही करने वाली, या तो फिर टॉप कर सकते हैं। पर छोटे छोटे जो श्रिम्प लाई थी ना, इतने छोटे छोटे श्रिम्प, वो भी कट करना पड़ेगा। और अभी हिलचलाए पापदा पाटशे थोड़ा करके, हाँ सर दो दो क्योंकि आर्यन तो नहीं खाता, और थोड़ा बड़ा वाला प्रॉन्स जो कि कोकोनट के साथ भापा बनाऊंगी। वो टाइगर प्रॉन है या व्हाइट प्रॉन है। अमेजन से कुछ ऑर्डर किया था तो वो आया है, तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं मेरा लिप बम जो कि मेरा सबसे जरूरी और सबसे एसेंशियल चीज है। और इसके बाद जो बुक्स ऑर्डर किए थे मिथुन, उनमें से दो आया है, और एक चार्जेबल लाइट जो कि मैंने ऑर्डर किया था। ये बिल्कुल काला जादू जैसा दिख रहा है ना, और इसका लाइट भी चेंज होता है, मैंने लाइट का जो कलर है वो भी चेंज होता है, बस हाथ से थोड़ा सा प्रेशर दो और इसका कलर चेंज हो जाएगा। पर ये मुझे नहीं पता था लेने के टाइम पर, अभी आने के बाद मैं देख रही हूँ कि ऐसा सिस्टम है। वो देखो इसका कलर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब बाप बेटे दोनों मिलके इसे अब खराब करके रहेगा। तो चलिए अभी रोते हुए फिश क्लीन कर लेते हैं। और इतने सारे फिश है कि मैं कब इसे क्लीन करके फिर किचन में एंट्री करूंगी खाना बनाने के लिए मुझे नहीं पता। फिश जितना छोटा हो उतनी अच्छी तरह से क्लीन करने की जरूरत पड़ती है, और मिथुन को आज सारे छोटे छोटे फिश खाना है, तो इसलिए चल रहा है अभी। तो अभी तक तो आपने बस एक ट्रेलर देखा था, तो अभी देखेंगे मूवी। तो ये जो श्रिम्प आप देख रहे हो ना, इसका पूरा क्लीनिंग मेरे हाथ होगा, क्योंकि ज्यादा जब भीड़ रहता है तो इतने छोटे छोटे फिश क्लीन करके वो लोग नहीं देते। अभी ये सारे श्रिम्प को मैं कब क्लीन कर पाऊंगी, कब ये मेरा काम कम्प्लीट होगा मुझे नहीं पता, पर सच में ये करते हुए शायद मुझे रोना आ जाएगा। तो चलिए सारा फिश क्लीन हो चुका है, अभी बना लेते हैं प्रॉन्स। तो इसका मैं भापा बनाऊंगी, तो इसके लिए मुझे चाहिए कोकोनट एंड मस्टर्ड सीड्स पेस्ट, सॉल्ट, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर एंड रेड चिली पाउडर, और उसके साथ मुझे ऐड करना है मस्टर्ड ऑयल, और फिर अच्छे से इसे मिक्स करके देन मैं इसे कढ़ाई में लो फ्लेम में कुक करूंगी। और अभी मैं पम्पकिन लीव्स को बॉईल करूंगी एंड देन उसे कट करके इसके साथ ऐड करना है मुझे। जबकि आज मैं थोड़ा कुकिंग में बिजी हूँ, तो ऑस्कर और माइलो को खिलाने का जिम्मेदारी मिथुन का। जो छोटे छोटे श्रिम्प आपने देखा था ना, तो उसका रेसिपी अभी बनाया जा रहा है। तो कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालना है, और उसमें हमें बड़े बड़े पीसेस के कुछ अनियंस, गार्लिक और ग्रीन चिली ऐड करना है, और उसे अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करना है, एंड देन टर्मरिक और सॉल्ट भी इसमें ऐड करना है, एंड देन जो श्रिम्प है उसका पानी अच्छे से निचोड़ के, ताकि ज्यादा पानी उसमें ना रहे, वो इसमें डालना है और थोड़ा सा फ्राई करना है जब तक कि ना श्रिम्प का जो स्मेल है वो चला जाए।
और उसके बाद ढेर सारा कोरिएंडर लीव्स इसमें डालना है। पर हाँ, यहाँ पे कोचू पाता हम बंगाली यूज करते हैं, यानी कि मेरे नानीमा यूज करते थे कोचू पाता, जिसका टेस्ट बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है, पर अभी तो मेरे पास ये नहीं है। पम्पकिन लीव्स भी मैं यहाँ पे यूज कर सकती थी, क्योंकि स्टीम का और एक रेसिपी में भी पम्पकिन लीव्स यूज किया था, तो इसमें पम्पकिन लीव्स यूज नहीं कर रही हूँ। तो कोरिएंडर लीव्स के साथ भी ये बहुत डिलीशियस लगता है। तो अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं एंड देन इसे ब्लेंड करके इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। और उसके साथ हिलशा फिश जब मिथुना जी लाए, तो एटलीस्ट मिथुन को एक फ्राई हो तब भी बना के तो देना चाहिए, क्योंकि आज फ्रेश है। तो सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर के साथ इसे मैं मैरिनेट करूंगी एंड ऑयल में, प्लेन ऑयल में इसे फ्राई करके दूंगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पेस्ट बन चुका है, और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इसमें मैं अभी थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊंगी, जैसे कि चॉप अनियंस और रॉ मस्टर्ड ऑयल, और अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हो तो रॉ ग्रीन चिली भी इसमें डाल सकते हो, और उसके साथ इसे मिक्स करना है। और जब गर्मा गर्म राइस के साथ आप खाओगे ना, तो कुछ और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। এটাই চিংড়িটা? হ্যাঁ চিংড়িটা। বাবা, চিংড়ি ইলিশ মাছ ভাজা, মানে তো আজকে আমার দিন হয়ে গেল পুরো। হঠাৎ করে ভালোবাসা উতলে উঠছে। হ্যাঁ, আজ মিথুন ডে, মিথুন ডে। আচ্ছা, ক্যামেরা চল রহা তো মুঝ পে প্যার মতলব বরস রহা। মলাই কড়ি? यस, नहीं ये চিংড়ি ভাপা है। चिंगरी भापा इसको क्या कहते हैं? चिंगरी का पेस्ट, भरता, भरता, पेस्ट, पेस्ट कोई नहीं बोलता। चिंगरी भरता, हाँ भरता। और इलिश मच, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। अब बोल सकते थे ऑफिस से छुट्टी ले लेता खाने के लिए। इतना खाने के बाद सोना होगा। थोड़ा सॉल्ट दे दो। और आर्यन को बहुत स्पाइसी लगा खाना, वो रुक रुक के खा रहा है ऐसे। वो जो भरता है ना, भरता में थोड़ा ज्यादा ही मैंने चिली दिया है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा मिर्ची की जरूरत पड़ती है, वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो आर्यन को थोड़ा सा स्पाइसी लगा। बाकी सब ठीक ठाक। वो बंगाल लोगों का खाना है तो थोड़ा स्पाइसी तो होगा ही। सो गाइस, आज है नेक्स्ट डे और अभी हम जा रहे हैं BMW चॉकलेट टेस्टिंग इवेंट में। वहां से हमें इन्वाइट किया गया है बस एक डेढ़ घंटे के लिए, पर जा रहे हैं, देखते कि इवेंट कैसा होता है। पहले जब हमारे पास कार नहीं था, तब भी मुझे इनविटेशन मिला था BMW की तरफ से ही। वो हमारे मैनफो में था और वहाँ पे कुछ सिंगर्स भी आए थे, बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, तो वो मिस किया था। ये तो मिस नहीं कर सकते। पर हाँ, वहाँ पे मुझे इन्वाइट किया गया था एज अ इन्फ्लुएंसर, पर आज मुझे इन्वाइट किया गया है एज अ कस्टमर। तो आप पहुंचे हम BMW की तरफ से अरेंज किया गया एक चॉकलेट टेस्टिंग इवेंट में। तो ये सारे कुछ सैंपल्स यहाँ पे रखा गया है। तो इवेंट अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि सारे लोग अभी तक आए नहीं है, और बस ऐसे ही इंतजार चल रहा है। तो ये जो कैंडी टाइप सब चॉकलेट देख रहे हो, ये एक्चुअली बच्चों के लिए बनाया गया है, ताकि हॉट चॉकलेट बच्चे खुद बना पाए। बस इसे मिल्क के साथ घोलना है और हॉट चॉकलेट बन जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है ना कि बच्चों के लिए चॉकलेट पाउडर लेना थोड़ा सा वेस्ट भी हो जाता है और ठीक ठाक से बना भी नहीं सकते। तो ये एक कप मिल्क के लिए ये जो चॉकलेट का पोर्शन है ये काफी है। ये आप ऐसे भी खा सकते हो और ये मिल्क के साथ ऐड करके आप हॉट चॉकलेट भी बना सकते हो। जैसे कि बच्चे मम्मी के बिना हॉट चॉकलेट नहीं बना सकते, तो बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। Over the hills.
गाइस हम पहुंच चुके हैं घर और आर्यन तो बहुत खुश है क्योंकि आर्यन के लिए भी कई सारे चॉकलेट्स भेज दिया गया है। आर्यन तो अभी अपना चॉकलेट एंजॉय कर रहा है। बहुत सारा डोपामाइन जाएगा। ये 80% है। 72। अरे 72 वाला। ओके। 82% नहीं है, मतलब 80%। 82 ना। 75, 80, 42 and 35। और ये सबको गिफ्ट दिया गया, जिनको भी इनवाइट किया है ना, उन सबको गिफ्ट दिया गया। अरे थोड़ा सा खोल। ये उनके तरफ से गिफ्ट दिया गया। एक्चुअली BMW कार खरीदने से जो चॉकलेट का बॉक्स फर्स्ट डे दिया जाता है ना, ये इसी कंपनी का है, इनके साथ टाई अप है एक्चुअली। तो मिथुन ये चॉकलेट टेस्ट करने के बाद उनको बोल रहे हैं, उनका जो मतलब ओनर है उनको बोल रहे हैं कि जब हमने कार लिया था तब जो आपका चॉकलेट का क्वालिटी था वो तो इतना खास नहीं था। वो बोल रहे तो आप भूषण को बोलो, मतलब जो सेल्स मैनेजर है वो लोग थोड़ा लो क्वालिटी का लेते हैं। उनको बोला चॉकलेट का क्वालिटी अपडेट करने के लिए, ये सर प्रीमियम क्वालिटी का है। तो भूषण को बुलाया, बोलने को भूषण बहुत हंसे, सर आप लोग सेल्स बढ़ाइए, हम लोग भी चॉकलेट का क्वालिटी बढ़ाएंगे। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना ऑड टाइम पे, तो लंच की तैयारी करती जाती हूँ, अगर लंच घर पे करने का इरादा है तो। और अगर ऐसे ऑड टाइम पे बाहर जाती हूँ शाम के टाइम में, तो मैं डिनर का इंतजाम करके जाती हूँ। तभी मैं बना रही हूँ चिली फिश। एक्चुअली चिली फिश के लिए परसों, ये पहले का फिश है, परसों मैंने सारे फिश अच्छे से मैरिनेट करके सारे अरेंजमेंट करके रखी थी। मिथुन बोल रहा है कि नहीं चिली फिश नहीं खाना, कुछ दूसरा कुछ बनाओ, कुछ बंगाली कुछ बनाओ, तो वो बनाना पड़ा, तो ये रह गया था। और आर्यन जब के फिश नहीं खाता तो चिली फिश वगैरह ये सारी चीज़ें आर्यन को बहुत पसंद होता है। और आर्यन वेट कर रहा है कि कब चिली फिश बने, कब वो लंच करे। तो ये है हमारा चिली फिश जो कि स्पेशली आर्यन के लिए है। और ये है एक करी। एक्चुअली राइस के साथ कुछ तो लेना चाहिए और चिली फिश राइस के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ये है हमारा राइस तैयार। तो लंच है हमारा रेडी और अभी आर्यन को खिला दूंगी। ऑस्कर माइलो का खाना हो चुका है, उसको उन दोनों को खिला दिया है कुकिंग करते हुए। मिथुन ऑफिस के लिए बैठे, मिथुन को अभी टेबल में देना पड़ेगा खाना और मैं भी खा लूंगी ऐसे हाथ में लेके। मतलब जब मिथुन थोड़ा सा बिजी रहते हैं ऐसे हाथ में लेके कहीं पर भी बैठ के खा लेती हूँ करते हैं। तो थोड़ा सा आज हड़बड़ी में सारी चीजें करना पड़ा, पर हाँ फाइनली सब कुछ कम्प्लीट कर पाई। और आज हमारा प्लानिंग है कि आज एक मूवी देखने जाए। बहुत दिनों से थिएटर में नहीं गए मूवी देखने। नॉर्मली मैं वेट करती हूँ कि OTT पे आए, उसके बाद देखेंगे। घर पे बैठ के जब देखती हूँ ना तो अपने हिसाब से देख सकती हूँ, थोड़ा सा पॉज करके, थोड़ा दूसरा अगर कोई काम है तो वो करके आती हूँ। किचन से चाय बना के लेके जाती हूँ, चाय पीते हुए हम दोनों देखते हैं, या तो बाहर से कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर लेती हूँ वो खाते हुए हम देखते, तो मजा आता है। पर थिएटर में भी वो अलग एक मजा है। फाइटर देखने जा रहे हैं हम, मे बी अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ, टिकट भी अभी तक नहीं लिया, मे भी हो सकता है। तो बस अगर होता है तो रात के शो, मतलब मिथुन का ऑफिस खत्म होगा उसके बाद हम देखने जाएंगे। और जब नेक्स्ट डे छुट्टी होता है तो उस दिन लेट नाइट तक जगी रहना, लेट नाइट तक कोई भी प्रोग्राम कुछ करना तो अच्छा भी लगता है। तो ये है वो प्लॉट जिसे हम देखने आए हैं आज। और यहाँ के प्राइस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, पर जब तक इनके साथ डायरेक्टली बात नहीं करते तब तक कुछ नहीं बोल सकते। तो इसलिए हम आज यहाँ पे आए। ये हमारे बिल्कुल बगल में ही है, हम जहाँ पे अभी रहते हैं उसके बगल में है। तो ये गेटेड कम्युनिटी है और यहाँ पे आपको लैंड मिल जाएगा, यहाँ पे कोई विलेज नहीं, आप अपनी तरह से घर बना सकते हो। तो यहाँ के अंदर का जो रोड का कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल मेन रोड के बिल्कुल बगल में है। मैप है जमीन का, यहाँ पे थोड़ा बहुत खाली है इस तरफ, ये वाला, ये सब ये वाला एरिया। और ये सारा सेल हो चुका है जो खाली है
और नहीं तो नहीं नहीं, ये जो सर्किल दिया हुआ है ये सर्किल वाला सोल्ड आउट, सर्किल वाला ही अवेलेबल है, बाकी सब सोल्ड आउट, सारे सोल्ड आउट। यहाँ पे एक्चुअली ये रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पर ये जो टोटल एरिया है ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, पर जितना है ठीक है, छोटा सोसाइटी होगा, छोटा सोसाइटी होगा, पर बिल्कुल एकदम प्रॉपर एरिया में, मतलब सामने जो मेन गेट है, मेन गेट के उस तरफ ही है मेन रोड, कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं होगा, और उस रोड के उस पर है अभी जो हम रहते हैं वो। अरे वो भारतीय सिटी है ना? हाँ वो भारतीय सिटी है, सॉरी निको होम्स बोलो। अच्छा निको होम्स, हाँ। एरिया को बोलते हैं भारतीय सिटी, और वो जो रेसिडेंशियल जो एरिया जो बिल्डिंग्स है उसे है, वो है निको होम्स, निको होम्स टू, वो है लीला, लीला पैलेस। ओ निको होम्स वन, वो निको होम्स टू। पोजीशन वाइज काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, एकदम सोने पे सुहागा है, इसीलिए तो कोई अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, पर इसका प्राइस बहुत हाई होगा। यहाँ का एक्चुअली एग्जैक्ट प्राइस हमें पता नहीं है, और यहाँ पे आज संडे है तो संडे तो सारा सेल ज्यादा होता है, इनका ऑलमोस्ट सेल हो गया ना, तो इसीलिए ऑफिस में कुछ कोई बैठता नहीं है, इनको फोन करके उनके साथ बात करना पड़ेगा, तो फोन नंबर दिया है, पहले जो फोन नंबर हमारे पास था उसमें फोन किया था, डंकी तो पहले जो फोन नंबर था हमारे पास उसमें कोई उठा नहीं रहा था, बेटा चुप हो जा, तुमसे मैं बात कर लूं। फाइनली बात हुआ और वो लोगों ने बोला कि जो वेस्ट फेसिंग प्लॉट है वो 7,500 पर स्क्वायर फीट, और जो ईस्ट फेसिंग प्लॉट है वो 7,750 पर स्क्वायर फीट है, और उसके ऊपर तो लीगल फीस वगैरह लगेगा। तो अभी प्लॉट का डिफरेंट डिफरेंट साइज है, अब जैसे प्लॉट लोगे उस हिसाब से, लेकिन ज्यादा प्लॉट बाकी खाली नहीं है, पर इसका प्राइस भी हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं काफी कम है, काफी कम है, जनरली इस एरिया में उससे कहीं ज्यादा रेट चल रहा है, हॉट केक की तरह बिक गया, अभी चार पांच ही प्लॉट, चार पांच प्लॉट ही बस बाकी है, ऑप्शन ज्यादा है नहीं। सो गाइस घर रिलेटेड आप लोगों ने बहुत सारे सवाल मुझे कई बार पूछा था, तो हमेशा हर एक सवाल का जवाब इस तरह से मैं नहीं दे पा रही थी, और वैसे भी जो सारी चीजें आप लोग पूछते हो ना उसके बारे में मुझे अच्छे से कुछ पता भी नहीं होता है। कुछ हम लैंड खरीदने वाले हैं, मतलब खरीदेंगे आज ही, हार्ट अटैक दे रही हो, अपने हार्ट को थोड़ा संभाल के रखो, मैं ऐसे ही बात बात में निकल गया, कभी तो मतलब कभी हो सकता है। इसके बारे में आप लोग मुझे पूछ रहे थे कैसा जमीन का प्राइस कैसे चल रहा है, सो गाइज इसके लिए मैं वो राइट पर्सन नहीं हूँ, राइट पर्सन है वो जो कि मेरे लेफ्ट में बैठे, और कितना चल रहा है अभी यहाँ का, हम लोग जिस जगह पे रह रहे हैं वो हेनूर कोथनूर के सामने है, उस एरिया में 10,000 से 12,000 पर स्क्वायर फीट चल रहा है। हम लोगों को जो चाहिए होगा एटलीस्ट थोड़ा इससे बड़ा घर, इसीलिए हम लोग सोच रहे थे ना, क्योंकि थोड़ा जगह बैकयार्ड फ्रंट यार्ड रहेगा, तो उस हिसाब से कम 3,000 स्क्वायर फीट 3,500 स्क्वायर फीट के आसपास आएगा, और उसका करीब 4 करोड़ 4.5 करोड़ के आसपास प्राइस आ रहा है। कभी अगर फ्यूचर में हम कुछ कर सकते हैं ऐसा, खुद का लैंड खुद का हाउस, तो हमारा प्लानिंग है ऊंचाई में हम नहीं बढ़ाएंगे, हम ऐसे फैलाएंगे, तो इसलिए लैंड भी थोड़ा सा ज्यादा हमें चाहिए, थोड़ा लेट ले पर हाँ। अच्छा ले, जो हमारा मन है ऐसा ले, तो जब हमारे बजट में आएगा तब। वैसे इसको लगे भी कुछ लोगों ने सवाल किया था कि आपका हाउस आप कितने में रेंट पे दिया है, तो एग्जैक्ट अमाउंट बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 42,000 हमें मिलता है, उसमें से 3,000 हम लोगों को मेंटेनेंस में जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत कम है, हम लोगों ने कॉर्पस एक अच्छा खासा अमाउंट दिया था, उस जब लिया था फ्लैट करीब 5 लाख के आसपास कुछ कॉर्पस दिया था शायद, तो वो अमाउंट से चल रहा है, तो इसीलिए मेंटेनेंस कम है 3,000, और बाकी 39,000 हमें रेंट मिलता है, पर इस सोसाइटी का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है का। तो चलिए आज इस वीडियो को भी ये एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और नए वीडियो के साथ, तभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, टाटा।